आज हम जानेंगे कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज 11 का ISO फाइल कैसे डाउनलोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक डाउनलोडिंग लिंक दे रखा है, वहां से आप इस वेबसाइट को ओपन कर लें। ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आप देख सकते हैं विंडोज 11 आ चुका है। यहाँ क्लिक करें, यहाँ आप देख सकते हैं डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज ISO आ चुका है। यहाँ से आप विंडोज 11 सेलेक्ट कर ले, यहाँ डाउनलोड में क्लिक करें। यहाँ से आप प्रोडक्ट का लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले, जैसे मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ आप 64-bit डाउनलोड में क्लिक करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं विंडोज 11 का ISO फाइल डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। ISO फाइल डाउनलोड होने के बाद आप इसका बूटेबल बना के अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। पेनड्राइव में बूटेबल बनाने के लिए हमने ये वीडियो बना रखा है। इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।